हमारे चैनल कुकिंग जंक्शन पे आपका वेलकम। आज मैं बहुत ही यूनिक तरीके से शामी कबाब बनाऊंगी और ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका लगता खाने में। तो चलिए बनाकर देखते हैं किस तरीके से ये शामी कबाब तैयार होता है। तो प्रेशर कुकर ले लेंगे और उसमें डालेंगे 1/2 kg मटन, यानी बोनलेस पीस मटन है, चने की दाल 100 ग्राम, एक आलू है छोटे साइज का, इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया उसे डाल देंगे, और लाल मिर्च है, साबुत है, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी, लौंग और जावेत्री, हरी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च इसे डाल देंगे। इसे डालने से क्या होगा, खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है उसे डाल देंगे, 1 छोटे साइज का प्याज है इसे भी काट कर डाल देंगे, नमक थोड़ा ही डालना है अभी बाद में फिर डालेंगे, और पानी डालेंगे, पानी इतना डालना है कि बस डूब जाना चाहिए चना दाल और मटन, और एक बार ऊपर नीचे कर लेंगे। यहाँ पे लहसुन हमने नहीं डाला था तो 10 से 12 लहसुन के कली जो है उसे डाल देंगे, और डालकर इसे प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और 2 से 3 सीटी लगाएंगे, और उसके बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 1 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट हमने लो फ्लेम पर पका लिया है, और यहाँ देखिए चने की दाल भी अच्छे से गल गई है, मटन भी अच्छे से गल गया हुआ है। अब इसे हम एक मिक्सर के जार में डालकर पीस लेंगे। आप चाहे तो सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, उससे क्या होगा टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमने पीस लिया, अब इसे निकाल लेंगे। तो सारे को हमें निकाल लेना है और सारे को इसी तरह से पीस लेना है। यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया है 1 बड़े चम्मच से, थोड़ी सी और नमक डाला है टेस्ट इसमें, और नमक जाएगा तो नमक डाल देंगे, आप चाहे तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। इस तरह से डालकर मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरे बर्तन में क्या करेंगे, हरी मिर्च, धनिया कटी हुई और छोटे साइज का प्याज है वो भी बारीक काट लिया, उसे डालकर मिला लेंगे। एक अंडा लेंगे, उसमें नमक डाल देंगे, और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से फेंट लेकर अलग रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने जितना शामी कबाब जो बनाया था वो बहुत ज़्यादा था, तो और आधा हमने निकाल कर एक बॉक्स में बंद करके रख दिया है फ्रीज में। ये अगले दिन इस्तेमाल करेंगे, 1 से 2 दिन भी रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा, और आधा बचा हुआ इससे हम कबाब बनाएंगे। तो इसी तरह से जैसे पूरी हम भरते हैं ना, तो थोड़ा सा पूरी की तरह ही हमें बनाना है और उसमें भर देना है। आप अगर आपका शामी कबाब बनाते वक्त थोड़ा गीला है तो कॉर्नफ्लोर और चावल कांटा डालने से अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 10 मिनट फ्रीज में डाल दीजिए, उससे क्या होगा कि टाइट हो जाएगा और आपको इसमें स्टफिंग करने में सहूलत होगा। तो इसी तरह से पूरी की तरह से हमें प्याज और हरी मिर्च को भर देना है, और यहाँ पे हमने भर कर तैयार कर लिया है। दूसरा हमने बनाया है, बड़ा ही अच्छा टेस्ट इसका लगता है हरी मिर्च में लपेट कर। तो जब लंबे साइज का हरी मिर्च लीजिएगा, और वो ज़्यादा तीखा नहीं होता है, और हरी मिर्च में क्या करेंगे लपेट कर बनाने से जब वो खाते तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता। तो इस तरह से हम थोड़ा सा फैला लेंगे, और फैलाने के बाद बीच में हरी मिर्च डालकर इसे लपेट लेंगे, और सारे को इस तरह से लपेट कर हम रख लेंगे। रखने के बाद फिर हम फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से हरी मिर्च को बीच से आप क्या कीजिएगा, कट कर लीजिएगा। अगर बीच से कट नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, तेल में डालने के बाद वो इसमें हवा भर जाता है और फिर वो छींटा उड़ने का डर रहता है, तो इसलिए कट करने से उसमें गैस नहीं भरेगा, हवा नहीं भरेगा। तो अंडा जो हमने फेंट कर रखा है उसमें हम इस तरह से डीप कर लेंगे। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट डीप करके और तेल में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डीप करके अलग रख लेते हैं, उसके बाद फिर फ्राई करेंगे। और पहले हम कबाब जो बनाया है उसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसे अंडा में डुबाएंगे और फिर तेल कढ़ाई में गरम करने के लिए पहले ही रख दिया है, गरम है, उसे गरम तेल में डाल देंगे। अंडा में लपेट कर फ्राई करने से क्या होता है कि कबाब जो हमारा है वो डायरेक्ट फ्राई करेंगे तो बिखरने लगता है तेल में, लेकिन अंडा में डालकर फ्राई करने से क्या होता है कि वो आपस में एक दूसरे से चिपका रहता है और बिखरता नहीं। तो एक साइड का हो चुका है, अब दूसरे साइड का पलट कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर इस तरह का कलर आने तक फ्राई करेंगे, जैसे गोल्डन ब्राउन हो चुका है और देखिए काफ़ी फुला फुला सा बनकर तैयार होता है। हरी मिर्च ऊपर से धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे, और ये तोड़ कर हम दिखाते हैं, ये देखिए कितना अच्छा फुला फुला सा बना। अब ये हरी मिर्च है, उसी तेल में हरी मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे, ये भी काफ़ी फूल जाता है बनने के बाद और अंदर से बिल्कुल हल्का होता है। कॉर्नफ्लोर डालने से क्रिस्पी भी हो जाता है और हल्का भी बनकर तैयार होता है, या फिर चावल के आटा को भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा हरी मिर्च वाला भी बनकर तैयार है, और इस तरह से प्याज वाला भी बनकर तैयार है। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।